ठीक है, तो जो लास्ट टाइम एरोमेटिसिटी करी थी और उसमें जो क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में, तो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन ये था, क्या वो हमारा एजीबीआर के साथ पीपीटी देगा या नहीं देगा क्वेश्चन। तो हम इसकी फिफ्थ की बात कर रहे हैं, क्या वो देगा या नहीं देगा। तो फिफ्थ में आप लोग बोल रहे हो कि नहीं देगा, अब ये देख के भी लग रहा है कि वो नहीं देगा। देगा। देगा है ना, क्यों देगा, क्योंकि क्या कैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। यस मैम, स्टेबल है। तो ये एजीबीआर के साथ पीपीटी देगा, कैसी येलो पीपीटी, कैसा कैटायन है ये येलो पीपीटी। ये जो कैटायन है क्या जा रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा इसके साथ, तो इस वजह से स्टेबल होगा रेजोनेंस से, तो इस वजह से येलो पीपीटी हमारा देगा। ठीक है, सिक्स की बात करें, जो सिक्स क्वेश्चन था वो देगा या नहीं देगा। हम नहीं देगा मैम मैम, नहीं नहीं देगा, देगा। हाँ नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता। हमारा सिक्स क्वेश्चन ये था और इसमें फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता अगर ये देता तो, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। सेवन्थ देगा, नो मैम, सब श्योर हो ना, क्या नहीं देगा, किसी को डाउट तो नहीं सेवन्थ में। एट्थ देगा, यस मैम, 8 देखो। एट देगा। तो ये जो क्वेश्चन थे इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आई विल कंटिन्यू। चलो अब इसी में एक थोड़े नए तरीके के क्वेश्चंस कुछ। अभी तो हमने AgNO3 के साथ बेसिकली रिएक्शन देखी, यहाँ पे हमने क्या डाला था, AgNO3, एक्वस AgNO3, इसके साथ रिएक्शन देखी। अब हम रिएक्शन देखेंगे सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल, अगर मेटल की बात करें सोडियम मेटल की, तो उसका नेचर कैसे, एसिडिक है, बेसिक है। हम बेसिक हाँ, जो मेटल्स होते हैं वो सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो हमें ये है कि ये वाला, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, एनए मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब एनए मेटल तो क्या बनाने वाला है, एनए तो एनए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देगा किसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होगा एच को दे रहा होगा, एच प्लस को बेसिकली। तो यहाँ से जो एच प्लस आएगा ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा जो किससे है, एनओ एनए प्लस से, और ये क्या बना देगा, एच। ऐसे दो एच मिलके क्या बना देंगे, एच टू। ठीक है, मतलब दो दो मॉलिक्यूल से एच आ गए होंगे ऐसे, तो वो एच टू बना देंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर सिर्फ एक रिएक्शन हम देखें जो कि बैलेंस्ड भी हो, तो हाफ एच टू, क्योंकि यहाँ से बस एक ही एच निकलेगा, दो एच नहीं निकलेंगे। और क्या बनेगा हमारा जो एनायन, कैसा होगा, एक एच होगा इस पे ऑलरेडी, और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें बताना है कि ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यहाँ पे एन ए प्लस है इसका सॉल्ट की तरह, तो ये वाला कुछ ऐसा सॉल्ट बनेगा। तो हाँ, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी बताओ। मैम, हाँ होगी। होगी होगी, क्योंकि क्या है ये एरोमेटिक है, तो ये बनेगा, इस वजह से वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, ये एरोमेटिक सॉल्ट है हमारा। चलो नेक्स्ट बताना जल्दी से। टू एन ए, एक सेकेंड, नो एच 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 एच। अब इसमें टू एन ए डाला है, और चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, एच टू। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ वाले इस कार्बन से गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से गया, तो ये कुछ ऐसा बना है। तो ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या आएगा, टू एन ए प्लस, या नहीं होगी, हम नहीं होगी, नहीं होगी। ये क्या है, मैम होगी, ये एरोमेटिक तो है। ये एरोमेटिक है, दो प्लस फोर प्लस फोर, यस मैम, होगी। फोर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एन प्लस टू रूल से। हाँ, तो एरोमेटिक सॉल्ट है ये, एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी होगी। ठीक है, भूलो मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यही बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कुछ मॉलिक्यूल्स दे देती हूँ बस बताना। ठीक है, तो ये होगा वन, और जल्दी जल्दी बताना, एच सेकेंड में,
थर्ड में इन तीनों में बताओ इसमें होगी रिएक्शन फर्स्ट में? यस मैम होगी। क्या बनेगा अगर रिएक्शन? नो मैम नहीं होगी, एंटी एरोमेटिक बनेगा। अगर होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मैम? 8 हो जाएंगे। 8 रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली होगी, देखो जहां से दो sp3 हाइड्रोजन है ना वहां से। यस मैम होगी, ठीक है। यस मैम, तो ये ध्यान रखना इधर दो sp3 हाइड्रोजन हैं, तो दोनों sp3 कार्बन के, दो sp3 कार्बन है तो दोनों sp3 कार्बन का एक एक हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? टोटल 10। तो ये रिएक्शन होगी। ये वाली होगी, जल्दी से बताओ होगी या नहीं होगी। sp3 कार्बन कितने है इसमें? एक ही है, तो हाइड्रोजन तो उसी से जाएगा। कौन सा है? बस यही वाला तो है sp3 कार्बन, यहाँ से जाएगा। yes, तो जाएगा नेगेटिव आएगा। हाँ, तो अभी रिएक्शन होगी या नहीं होगी मैम? हो जाएगी, रेजोनेंस में तो आ रहा है ना। रेजोनेंस में तो आ रहा है लेकिन एरोमेटिक भी आ रहा है अगर ध्यान से देखो। yes, मैम एरोमेटिक भी आ रहा। ये बीच वाली रिंग जो है ये एरोमेटिक है ना, ये डबल बॉन्ड बाहर लिखो या अंदर लिखो इस रिंग की बात तो एक ही है। यस मैम, ठीक है। तो वो एरोमेटिक भी बन रहा है हाइड्रोजन जाने से, तो ये रिएक्शन होगी। कुछ ऐसा है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे नेगेटिव। तो ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन हमारी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम एनुलिन्स पे। एनुलिन्स बनेंगे थोड़ा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnHn। एनुलिन सारे इस फॉर्मूले में होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होता है? n पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट बात करूं 10 एनुलिन की, हम 10 कुछ ऐसे लिखेंगे 10 एनुलिन, तो यानी कि इसमें 10 कार्बन होंगे और 10 ही क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ के हाइड्रोजन भी अंदर आ रहे होंगे और यहाँ का हाइड्रोजन भी अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन एक, क्योंकि हमारा ये तो प्लेनर है और ये हाइड्रोजन भी अंदर आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है? इनमें काफी रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से प्लेनर रहना काफी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कैसे कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर लेता है? नॉन प्लेनर। तो ये नॉन प्लेनर होता है बेसिकली 10 एल्यूमिन, ठीक है। तो अगर ये मान लो नॉन प्लेनर नहीं होता, कैसा होता है? ये एरोमेटिक होता, एंटी एरोमेटिक होता या नॉन एरोमेटिक होता? अगर मान लो ये प्लेनर ही होता तो एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होता क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है इसमें। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जनरली वैसे तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है हकल रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होता है? ये वाले कार्बन जो होते हैं ऊपर उठ जाते हैं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अब नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन प्लेनर में क्या हो गया? रेजोनेंस रुक गई, रेजोनेंस रुक गई, तो अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस नहीं हो रही तो ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्या हुआ? ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो 10 एल्यूनिन हमारा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। किस वजह से? ऑल्दो इसमें 10 पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये नॉन प्लेनर होगा। किस वजह से? HH रिपल्शन की वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाएगी? रिपल्शन रुक जाएगी, सॉरी रेजोनेंस रुक जाएगी। नॉन प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर जल्दी से। नेक्स्ट पढ़ना है हमें 14 एनुलिन। इसका वो बताओ, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा? C14H14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इसका। ठीक
आ रहे हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 7 पाई बॉन्ड्स हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये एरोमेटिक में ही काउंट होता है, ये आ रहा एरोमेटिक ही होगा, ठीक है। इस पे थोड़ी बहुत डिबेट चल गई लेकिन हम इसे एरोमेटिक ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड, 18 एलुनीन, 18 ओके वेट, ठीक है। तो ये 18 एनुलीन है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ बनाना चाहूं, तो 18 एनुलीन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C18 H18 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल फॉलो करता है, नहीं करता, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम करता है। एरोमेटिक हो गई ये भी, ठीक है, प्लेनर है, एरोमेटिक है। तो 14 और 18 तो हमारे क्या है, एरोमेटिक है। 10 एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन नॉन प्लेनर हो जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे, एक आता है पेरिफेरल एरोमेटिसिटी बोलते हैं, मतलब इसको पेरिफेरल एरोमेटिसिटी का एग्जांपल है ये, इसका मतलब अभी समझ आ जाएगा कैसे। हम जैसे 14 एनुलीन बना रहे थे वैसे ही बनाना है हमें स्ट्रक्चर बाहर का, तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बीच में भी एक रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब ये कुछ ये रिंग्स ऐसे कनेक्टेड होती है इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो बीच का डबल बॉन्ड है, ये क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यानी कि जो कंप्लीट जो रेजोनेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये जो बाहर के हैं बेसिकली हमें क्या बोलते हैं, पेरिफेरी पे है, पेरिफेरी मतलब आउटसाइड पे है। तो पेरिफेरी के जो पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या है, आपस में रेजोनेंस है, किसकी तरह काम कर सकते हैं, जो 14 एनुलीन है, 14 एनुलीन जो है जैसे उसमें रेजोनेंस होती है वैसे ही इसमें भी बाहर की जो पेरिफेरी वाली जो रेजोनेंस होगी वो कुछ ऐसी होगी, तो उस वजह से एरोमेटिक है, ठीक है। तो क्या है एरोमेटिक ड्यू टू, एरोमेटिक ड्यू टू 14 पेरिफेरल। क्रिश कुछ पूछना है, पेरिफेरल मैम एक बार लास्ट स्लाइड देखनी। ओके मैम थैंक यू, ठीक है। तो एरोमेटिक ड्यू टू 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड जो है, तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्लेन के अंदर ही हैं, ये 14 एलुनीन जैसे ही हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने, 16 है, लेकिन एरोमेटिक इनकी वजह से बस 14 की वजह से। जो ये एक जो डबल बॉन्ड है ये किसकी तरह, ये नॉर्मल एल्कीन की तरह काम करेगा और उसकी तरह रिएक्शन भी शो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें क्या डालना चाहूँ, इसके हाइड्रोजनेशन कराना चाहूँ इस मॉलिक्यूल में, निकल की प्रेजेंस में या कोई भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। बाकी जो एरोमेटिक है, जो एरोमेटिसिटी में पार्ट ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो H तो ये जो H2 में डाला है ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भी ये क्या है, अब भी एरोमेटिक है ही, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस डिलोकलाइजेशन तो है ही इलेक्ट्रॉन्स की, तो ठीक है। ये पेरिफेरल एरोमेटिसिटी कैसे आती है,
इसमें डाउट किसी को, किसी को? मैम आउट ऑफ प्लेन वाला प्लीज बता दीजिए। जो लास्ट में जो हमने पहले पढ़ा था। अच्छा ये सॉरी डबल बॉन्ड। देखो ये जो बाहर के जो कार्बन है ये सारे प्लेन में ही है, ठीक है? तो इनमें क्या है, कॉन्टिन्यूस डिलोकलाइजेशन हो रही है इन कार्बन की बात करें तो। लेकिन ये क्या है, ये बीच में क्या है, थोड़ा कंजस्टेड सिस्टम हो गया है, तो इनमें थोड़ी रिपल्शन भी हो रही होंगी। इस वजह से क्या है, जो दो कार्बन है राइट, ये जो दो कार्बन है ये क्या है, डबल आउट ऑफ द प्लेन चले गए हैं, प्लेन से थोड़ा ऊपर आ गए होंगे। अब जो पार्ट प्लेन से ऊपर आ गया वो तो रेजोनेंस में पार्ट ले नहीं पाएगा, लेकिन ये सारे जो बाहर के जो मैंने व्हाइट से मार्क करे हुए ये तो इन द प्लेन है, और ये अगर इनमें रेजोनेंस, सिर्फ इनमें रेजोनेंस करवाना चाहे बीच को छोड़ के, तो इनमें रेजोनेंस भी अच्छी खासी पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूस डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, जो कि 14 एनुलिन को, 14 एनुलिन जब हमने देखा था हमें यहाँ पे जो रेजोनेंस मिल रही थी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रही थी। बस इसमें क्या हुआ है, बीच में ही तो एक एडिशन हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आउट ऑफ प्लेन हो गया। अब ये एल्कीन एक अपनी आउट ऑफ प्लेन है जो कि रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रही, तो ये नॉर्मल एल्कीन की तरह काम कर सकती है, तो इसको हाइड्रोजिनेशन कराना भी इसका इजी है। तो हमने जब भी H2 निकल डाला तो सिर्फ ये वाली एल्कीन हाइड्रोजिनेट हुई, बाकी सब क्या है, बाकी की वजह से जो हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक हो रहा है डबल बॉन्ड्स की वजह से। तो ये वाले डबल बॉन्ड्स को हम आसानी से नहीं करा सकते हाइड्रोजिनेट, तो जब हमने हाइड्रोजिनेशन कराई तो ये क्या है, सिर्फ ये बीच वाली एल्कीन हुई जो कि अबव द प्लेन थी, जो कि सिर्फ नॉर्मल एल्कीन की तरह काम कर रही है। ठीक है यस मैम। चलो ओके, अब जो हमने पढ़ा हम इसके एमओ डायग्राम्स पढ़ेंगे। एमओ डायग्राम्स क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है एमओ की? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चैप्टर में पढ़ा था, और ये एमओ डायग्राम्स केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं, ये पढ़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और नंबर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। आई होप ये याद हो चीज तुम्हें, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो पार्ट लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, कितने कार्बन है, सिक्स है ना, तो सिक्स ही मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हमारे पास। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है, अगर मैं बेंजीन का बना रही हूँ तो सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सिक्स कार्बन वाले उसका। तो अभी छह हमारे क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, पाई वन पाई टू पाई पाई थ्री पाई फोर, वेट ये है पाई टू, ये है पाई थ्री, ये है पाई फोर, ये है पाई फाइव ये वाला, और ये है पाई सिक्स। ठीक है, और ये जो है हमारा ओरिजिनल था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जैसे एनर्जी है तो यानी कि एनर्जी लेवल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है वो ये वाली है। जो मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग करने के बाद स्टेबिलाईज हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मैम बॉन्डिंग, हाँ वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स डीस्टेबिलाईज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम छह कार्बन वाले एटम उसका अपने एरोमेटिक सिस्टम का कुछ मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना चाहे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये बेंजीन का है, अब मैं बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो ये जो है ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है, तो हमें बस पाई इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं हमें। तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से बताओ, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें हम सिक्स भरेंगे, तो दो तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ऐसे ही भरेंगे, पहले पाई टू भरेंगे सिंगली ऑक्यूपाइड, फिर पाई थ्री भरेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये रूल्स पढ़े थे जो सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या पहले ये दोनों सेम एनर्जी वाले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, तो बेंजीन का डायग्राम कुछ हमें ऐसा दिखेगा कि जिसका एमओ कुछ ऐसा होगा,
ठीक है, अब पता कैसे चलेगा एमओ से के कौन सा हमारा एरोमेटिक है कौन सा हमारा एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली फिल्ड मतलब जो जो भी हमने बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स भरे हैं, ये देखो पाई वन कम्प्लीटली फिल्ड है, पाई टू कम्प्लीटली फिल्ड है, पाई थ्री कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा? इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब कि कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाए तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो बेसिकली ये भी ना देखो तो तुम क्या देख सकते हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो कि अगर किसी में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या है? एंटी एरोमेटिक, और जिसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं वो क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, या फिर ये लिख लो प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम जनरली कैसे बना सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक लेवल पे एक ही आ रहा है एक लेवल पे दो ही आ रहा है? ये हमें सिंपली स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा। कैसे? जैसे अगर ये क्या है? बेंजीन है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? बीच में खींच देंगे लाइन, ये जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को कर रही थी डिवाइड, वो वाली लाइन है, तो ये वाले नीचे बनाएंगे इसके, और ये वाले क्या बनाएंगे? इसके ऊपर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर करेंगे तो ये, ये, ठीक है, तो ये क्या है? बेंजीन है। अब इसमें कोई भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है? नहीं है, तो बेंजीन कैसा है? हमारा एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट बना के देखते हैं हम। मैम, हाँ पूछो। मैम हम सेवन क्यों फिल कर रहे हैं? सेवन नहीं फिल किए, सिक्स ही तो फिल किया है, एक दो तीन चार पाँच छह। यस यस, ठीक है, वो एरो है वो सेवन नहीं है, सिक्स ही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने इसमें एक नीचे बनाया और दो ऊपर। बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ऐसे रखना है कि नीचे जो है हमेशा एक कार्बन आए। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये वाला जो कार्बन था ये इसको डिनोट कर रहा है, ये एक इसको, ये एक इसको, मान लो मतलब ऐसे के डिनोट कर रहा है याद करने के लिए। ठीक है, ये वाला यहाँ पे से, ये वाला ये, और ऊपर वाला एक। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो नीचे के लिए एक ही है, नीचे वाला हमेशा सिर्फ एक से ही शुरू होगा, एक लेवल उसमें मतलब एक ही स्टेट होगी, और ये वाले इसके दो कार्बन के लिए इशू हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2π इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसमें भर देंगे। अब इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अब देखो ये तो कुछ ऐसा होता है अगर ये वाला स्ट्रक्चर में बनाओ, लेकिन मैंने क्या बोला, नीचे हमेशा हमें क्या रखना है? सिर्फ एक सिंगल वाली स्टेट रखनी है। तो हम कैसे रख सकते हैं इसको? हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नीचे सिर्फ एक आए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब नीचे हमारा सिर्फ एक आ रहा है, तो एक ये, अब क्योंकि ये एकदम सेंटर से पास हो रहा है, तो वेट, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग वाली जो लाइन होती है, हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का पढ़ा, हमने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का पढ़ा, यहाँ पे जो इस लाइन पे जो ऑर्बिटल्स होंगे एंटी बॉन्डिंग होगी, तो हमें नॉन बॉन्डिंग कब बनाना है? जब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो। एंटी एरोमेटिक के केस में ही बनेगा, और उसमें क्या हो? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है, एरोमेटिक के केस में कभी भी हमें नॉन बॉन्डिंग वाला नहीं दिखाना, हमेशा जो जो भी लेवल्स होंगे बॉन्डिंग के नीचे ही होंगे, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे। बस नॉन बॉन्डिंग कहाँ दिखाना है उसका मैं बता रही हूँ, एंटी एरोमेटिक में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें अब मैं इलेक्ट्रॉन्स भरूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 4π इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दो तीन चार। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? मैम है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में क्या होगा? ये है कुछ ऐसा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे
ऊपर वाले से मिक्स मत करना, ऊपर वाला ये यहाँ खत्म हो गया, ये इसके नीचे है। चलो अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब पेयर सारे के सारे पेयर हैं तो ये क्या होंगे, एरोमेटिक ही होगा, और ये एरोमेटिक ही होता है, हमने देखा भी हुआ है पहले काफी बार, ये एरोमेटिक ही है ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ, नेक्स्ट इज फिफ्थ। इसमें भी हम अपना ये स्ट्रक्चर कहाँ से पास करेंगे, ऐसे ना कि बीच से, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नहीं है, ये इसके नीचे बनाएंगे और बाकी जो बचे दो हैं वो उसके ऊपर बनाएंगे ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे पेयर्ड हैं तो क्या है ये, एरोमेटिक, एरोमेटिक ठीक है। सिक्स देखते हैं, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे अब इसमें, मैम फोर, एक दो तीन चार, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, नो मैम एंटी एरोमेटिक है, अनपेयर्ड हैं तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब देखो भले ही एंटी एरोमेटिक है लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 5 है, इवन नहीं है ऑड है, तो ये जो ये वाली लाइन है ये हमारी ऊपर से ही जाएगी ना कि यहाँ के इस बीच वाले से जाएगी ठीक है, हम इसको यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, बस इतना ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, अच्छा किसी ने एक लास्ट टाइम एक एंटी एरोमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्या वो हम कैसे पहचान सकते हैं कैसे नहीं पहचान सकते। पहली बात तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्या मैं बता रही थी लास्ट टाइम भी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे नॉर्मली, मतलब रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में एग्जिस्ट करेंगे अगर करते भी हैं तो, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं और होगी भी नहीं क्योंकि इतना जनरलाइज हम नहीं कर सकते चीज़ों को। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी सारे कंपाउंड्स ऐसे नहीं होते कि सारे के सारे एरोमा दें ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी सारे ऐसे नहीं है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो इतने अनस्टेबल होते हैं, बस अनस्टेबिलिटी ही एक तरीके से मान लो कि अनस्टेबल है और रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर मैं कुछ कंपाउंड्स दूं तुम्हें, ये 1, 2, 3 और ऐसे इस पे क्वेश्चन भी आता है कि कौन से कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या यूज करोगे, एंटी एरोमेटिसिटी यूज करोगे, तो जो भी एंटी एरोमेटिक होंगे वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डोंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ तो देखते ही पता लग जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4 में से कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर, फर्स्ट और सेकंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करेगा और थर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों एंटी एरोमेटिक है। फर्स्ट तो हमारा एरोमेटिक है, कैसे इसमें कैसी रेजोनेंस होती है कुछ ऐसे, तो क्या बन रहा था हमारा पॉजिटिव, क्या मैम 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें रेजोनेंस में थोड़ी काउंट करने हैं। अब देखो ये कैसा है, ये कुछ ऐसा बन गया, अब हमें इस रिंग का देखना है, ये जो रिंग बनी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ओके मैम 4 है, नहीं मैम 2 है, 2 है, ये इसकी पूरी रेजोनेंस दिखाई भी थी मैंने लास्ट क्लास में, एक बार जाके देखना फिर से ठीक है। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ का और यहाँ का तो देख लिया, एक बार इधर भी आ सकता है ठीक है। तो ये हमारी जो रिंग बन रही है फाइनली, जो तीन मेंबर रहेंगे ये क्या है, हमारी एरोमेटिक है, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो सेकंड है हमारा जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे करेंगे तो इसमें आएंगे हमारी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी हमने किया था लास्ट टाइम।
ठीक है, चलो मैं आगे चलती हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या डाला है, 3H2 डाला है निकल, तो हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो बता सकते हो कौन से, अब ये H2 निकल है क्या करता है, काम क्या है इसका, हाइड्रोजनेशन काम है, हाइड्रोजनेशन, और 3H2 डाले यानी कि 3 डबल बॉन्ड्स क्या करेगा, ये हाइड्रोजनेट करेगा, तो कौन से 3 डबल बॉन्ड्स हाइड्रोजनेट से करने चाहिए। कौन सी रिंग के बेसिकली बता दूं मैम, रिंग जो बीच में है, जो बीच में है, हाँ रीजन क्या होगा मैम, कॉज वहां बहुत सारे मतलब हिंड्रेंस बोल सकते हैं, काफी बॉन्ड्स हैं, और भी और किसी बीच के वाला 3D में होगा वो, उसमें एच 3D में होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस में होगा और 3D में होगा, रेजोनेंस नहीं होगा 3D की वजह से। अच्छा ओके, तो तुम कह रहे हो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ओके ठीक है, और कोई अच्छा, एक तो हमारे पास रिंग ये है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है ये जो स्क्वायर वाले, हाँ इसमें जो तीन रिंग, एंटी एरोमेटिक वाली रिंग, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग क्या है, एंटी एरोमेटिक भी तो है, ऑल्दो बेंजीन है एरोमेटिक है, लेकिन ये जो तीन रिंग्स है ये एंटी एरोमेटिक है, देख पा रहे हो, मैं दिखाऊं खोल के, यस मैम देख पा रहे हो, देखो दिखाती हूँ, जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए, ये मैं ऐसे भी तो शो कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ऐसे शो, यस मैम, ठीक है, तो अब दिख रहे हैं तीन एंटी एंटी तीन क्या है, एंटी एरोमेटिक रिंग्स है इसमें, यस मैम, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड जो होता है कंपैरेटिवली स्टेबल अनस्टेबल होता है तीन एंटी एरोमेटिक रिंग्स की वजह से, ठीक है, तो अब वो, अब बताओ अब कहाँ जाना चाहिए H2 निकल, अगर ये बीच वाले इनको बॉन्ड्स को हाइड्रोजनेट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, चलो मैं बनाती हूँ, तो ये बीच वाले अगर हाइड्रोजनेट हो जाएंगे बीच वाले रिंग के, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये कुछ ऐसा बनेगा, अब ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है स्टेबल है, यहाँ से यहाँ रिंग कैसी बनी, अनस्टेबिलिटी अचीव करी उसने, स्टेबिलिटी अचीव करी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, जो एंटी एरोमेटिक तीन रिंग्स थे, अब कोई भी इसमें क्या बचे, एंटी एरोमेटिक रिंग्स नहीं बचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपाउंड स्टेबल हो गया, ठीक है, उसने ये ना करा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, अगर वो मान लो इसकी जगह क्या करता, अगर वो इसकी जगह ये भी कर सकता था, क्या वो इस बेंजीन रिंग के ना हाइड्रोजनेट करके किसी और बेंजीन रिंग के हाइड्रोजनेट करके, पेरिफेरी पे जो तीन है वो उनके भी हो सकते हैं, क्या पेरिफेरी पे जो तीन बेंजीन रिंग है उन पर भी तो हो सकता है, हाँ वही उसी का ही बता रही हूँ मैं, अगर मान लो इस वाली बेंजीन का कर देता वो, तो इस केस में क्या है, अभी मेरे पास ये वाली एंटी एरोमेटिक बची और ये वाली एंटी एरोमेटिक भी बची, इसमें तो एंटी एरोमेटिक रिंग्स आ रही है ना हमारी, आ रही है ना, यस मैम, इस वजह से ये वाला जो है वो नहीं होता, ये वाला पाथ नहीं होगा, यही हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें तीन बेंजीन रिंग्स मिल रही है जो कि स्टेबल है और कोई भी एंटी एरोमेटिक रिंग नहीं है इसमें, नो एंटी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट, किसी को डाउट इसमें, हाँ तीन तीन पेरिफेरी जो तीनों रिंग है उसमें एक एक बॉन्ड अगर
नहीं ऐसे क्यों नहीं होगा, देखो जो बेंजीन रिंग्स हैं वो तो एरोमेटिक हैं, तुम तीनों में से एक एक डबल बॉन्ड हटा दो तो क्या है तीनों की एरोमेटिसिटी भी चली जाएगी, एरोमेटिसिटी गई प्लस जो एंटी एरोमेटिक रिंग्स थी वो एज इट इज रह गई, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो नहीं होगा, बेस्ट उसके लिए प्रोडक्ट यही है जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एंटी एरोमेटिक रिंग्स सारी चली गई हैं और जो एरोमेटिक रिंग्स थी वो रिटेन रह गई हैं, ठीक है? चलो तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली क्या है, जो रेजोनेंस की वजह से हमारे कंपाउंड को एनर्जी मिलती है, किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है तो अगर रेजोनेंस नहीं होती तब क्या एनर्जी होती है, रेजोनेंस हो रही है तब क्या एनर्जी है, उसमें जो डिफरेंस होगा वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल से, जैसे कि अगर ये साइक्लोहेक्सीन की रिंग थी जिसमें हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये साइक्लोहेक्सीन बन गया, इसमें हमने क्या डाला H2 निकल डाला और क्या बनाएगा ये कुछ ऐसा बनाएगा, तो इसमें जो डेलेच आता है किस, ये डेलेच क्या होता है HOH का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन करिए ना तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही रिलीज होगा, तो इसमें डेलेच की जो वैल्यू होती है वो कुछ होती है -20.28.5 किलो कैलोरी। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा तब जो हीट रिलीज हुई हमने उठा के यहाँ पे लिख दी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है? अब क्या करें, हम इसमें डाल देते हैं दो डबल बॉन्ड्स H2 निकल, तो इसमें जो डेलेच रिलीज होता है वो कितना होता है, वो -28.5 × 2 होना चाहिए, ठीक है? और अप्रोक्सीमेटली जब अगर कैलकुलेट करें तो इतना होना चाहिए, और जब हम अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तब भी वो इतना ही आता है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है, थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा सा कम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कम होती है वैसे वैल्यू, पर अभी के लिए जैसे देख लो इधर हमने 2H2 डालना पड़ा होगा, हमें यहाँ पे हम कितना डालेंगे 3H2 निकल। अगर मैं इसकी अपनी जो अगर हम कैलकुलेट करें खुद से, टेक्निकली कैलकुलेट करने वाली कैसी होनी चाहिए, 3 × -28.5 किलो कैलोरी, ठीक है? तो ये जो एक्चुअली में आता है कुछ आता है -85.5 किलो कैलोरी के अराउंड आता है, और ये कैलकुलेटेड है। हम इस कंपाउंड की क्या एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हैं बताओ? इसकी हम एक्सपेरिमेंटल डेलेच निकाल सकते हैं? यस मैम, निकाल सकते हैं। अच्छा क्यों निकाल, कैसे निकाल सकते हैं, मतलब? हाँ मैम, अगर जैसे ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से तो मैम इसमें हम कैसे हाइड्रोजनेशन करेंगे? हाइड्रोजनेशन देखो पॉसिबल तो होती है लेकिन वो थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, ठीक है? कैसे करनी है अभी हमें उसकी बात नहीं करनी, अभी हम ये रेजोनेंस एनर्जी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कभी बेंजीन रिंग हाइड्रोजनेट हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर मैं नॉर्मल एल्कीन के कंपैरिजन में करूँ एरोमेटिक रिंग को तो वो थोड़ी डिफिकल्टी से हाइड्रोजनेट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ जाएगा, हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें हमें कुछ चेंज करनी पड़ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो अभी मैंने इसका पूछा कि क्या है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है या नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते नहीं कर सकते, तो एक बच्चे ने बोला हाँ, ठीक है। अच्छा ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर होता है वही रियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हमने क्या नाम क्या बोला था, वो रियल होते हैं, वो इमेजिनरी होता है। जब मैंने रेजोनेंस के बारे में लिखाया था तो मैं बोल रही थी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी है, रियल स्ट्रक्चर कौन सा है, बस हाइब्रिड है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं बस क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो इमेजिनरी है, जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली में, उसकी तुम डेलेच कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली कर पाओगे? नहीं पॉसिबल है। जब कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी कैसे करोगे? तुम इसकी कर सकते हो बेंजीन की, ठीक है, इसकी नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या लिखा, कैलकुलेटेड वैल्यू ये लिखी। तो जब हमने एक्चुअल में जो देखा कि बेंजीन की जितनी जो होती है वो कितनी होती है, डेलेच होती है -49.5 किलो कैलोरी, ये आती है, ठीक है?
तो जो कैलकुलेट करी हमने और जो ये थी इसकी, ये क्या है, इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर और इसके हाइब्रिड का डिफरेंस जब हमने लिया, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर की जो कैलकुलेटेड थी वो ये आ रही थी, और रियल हाइब्रिड की जो है, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो एक्सपेरिमेंटल हमने देखा इसका क्या था, इसकी वैल्यू है ये। तो इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें कुछ डिफरेंस आया हमारा 36 किलो कैलोरी के अराउंड आया। इसका मतलब क्या है, जो रियल हाइब्रिड है वो उसके कंपैरिजन में कितना है, 36 किलो कैलोरी का से ज्यादा स्टेबल है। जैसे एक सेकेंड, एक चीज दिखाती हूँ, हमने एक डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा, ये था प्रोडक्ट और ये था रिएक्टेंट, ठीक है, ये कुछ बनाया था हमने, और हमने कुछ बनाया था ये भी, ये जो है ये लेवल सेम है, मतलब सेम पे आया है वो। अब प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल है हमारे रिएक्टेंट से, एक था आर वन एक था आर टू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ और एक इसकी बात करूँ, तो आर वन कौन सा है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है या बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है आर वन, आर टू है ये। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, अगर मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूटर की बात करूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करूँ, और अगर मैं रियल हाइब्रिड की बात करूँ आर एच की, तो लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, हाइब्रिड की या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी होती है, हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड नीचे होगा एनर्जी में, ये एनर्जी का ग्राफ होता है ना, एनर्जी होती है यहाँ पे, तो लोएस्ट एनर्जी किसकी, आर वन की। आर टू हाई इन एनर्जी है, आर टू क्या है यहाँ पे, आर एस है इसका, बेसिकली मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैंने इसकी क्या रही और इसकी मैंने कैलकुलेटेड निकाली, वो मेरी कुछ ज्यादा आ रही थी बहुत ज्यादा, और इसकी जो एनर्जी थी बेसिकली डेल एच कम आ रही थी, डेल एच की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से कुछ, ये और ये, तो एक डेल एच ये और एक डेल एच ये डेल एच, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी जो हमने पीछे देखा, वो कुछ आ रही थी हमारी -49.5, और इसकी कितनी आ रही थी, ये जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था -85.5, ठीक है। तो यानी कि जो डिफरेंस है, जो हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस है, वो किसका ज्यादा है, मैम R2 का ज्यादा है, R1 का कम है। और ये जो R1 और R2 के बीच का भी कोई डिफरेंस होगा, ये कितना आया, 36 आया था, यस मैम। तो ये क्या होती है हमारी, ये डेलेज, ये क्या मैम, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एक ये है और एक ये है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस ही होगा, वो तो हमने देख लिया, एक ये वाली वैल्यू देख ली और एक ये वाली वैल्यू देख ली। एक ये वाली जो हमने देखी R1 और R2 का जो डिफरेंस था वो क्या था, 36, और ये क्या थी हमारी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हमारी क्या है, 36 किलो कैलोरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, अगर मैं RS की बात करूं, उसमें कोई रेजोनेंस हम नहीं मान के चल रहे क्योंकि इमेजिनरी स्ट्रक्चर टाइप है, मान लो क्या इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, हमने इनको कैसे इंडिविजुअली डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया, तभी तो हमने क्या -28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अगर मैंने R1 की बात करी, इसमें क्या है, पूरी के पूरे अच्छे से डीलोकलाइजेशन है। जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो हम एक में रेजोनेंस कंसिडर करते हैं, एक में नहीं करते, तो हाइब्रिड में R1 में रेजोनेंस है, इसमें नहीं है। इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो काफी क्या आ रही थी, -49.5 आ रही थी, इसकी आ रही थी -85.5। तो बेसिकली जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितना था, 36, और ये 36 किलो कैलोरी के अमाउंट से क्या है, बेंजीन जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। ये समझ आ रहा है, हमने ये तो पहले बात करी थी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन कितना अमाउंट से स्टेबल है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी में बता रहा है। यानी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो 36 किलो कैलोरी हायर इन एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, बस वही है, समझ आ रही है चीज, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो बस एक डेफिनेशन लिख लो उसकी, एक क्या है, तो डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एच ओ एच लिख रही हूं मैं, ठीक है, बिटवीन रियल हाइब्रिड
जो रियल हाइब्रिड की क्या थी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थी, एचओएच जो थी एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर. और ये सिर्फ बेंजीन के लिए नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड्स हो जहां पे रेजोनेंस हो रही हो वहां पे हम हाइब्रिड और अपना मेजर कंट्रीब्यूटर के बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वही क्या होगी हमारी रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, ये क्या होगी, ये कैलकुलेटेड होगी क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं. तो उनकी बस हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि हम कैलकुलेट करने से क्या आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि मेरी रेजोनेंस है उस वजह से वैल्यू काफी कम आती है. तो रेजोनेंस से जो स्टेबिलाईजेशन हुई तो जो उन दोनों की जो एनर्जी की जो डिफरेंस था वही क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी. इस चीज में कोई डाउट? चलो आगे. यस मैम. ओके, तो अब देखो एक चीज और, एक ये है. एक सेकेंड, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इसको क्या करना है, इसको मतलब ये ऐसे ना दिखा के दो बॉन्ड्स कैसे दिखा दो, ऐसे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो जो वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट करके आ रही है वो हमारी एक्सपेरिमेंटली की काफी क्लोज आएगी, रेजोनेंस आएगी तो वो वैल्यू में काफी डिफरेंस होगा. ठीक है, कहाँ पे थे हम, ये, हाँ, और एक ये है. तो अगर मैं यहाँ पे HOH वैल्यू को कंपेयर करना चाहूँ, HOH पर डबल बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड कंपेयर कर रहे हैं हम, तीनों को नहीं कंपेयर कर रहे, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे क्या, फर्स्ट की बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड की कंपेयर कर रहे हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इनमें क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही अलग है. जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करी थी तब क्या था, या तो मॉलिक्यूल्स क्या हो एक दूसरे के आइसोमर हो, आइसोमर फॉर एग्जांपल जैसे अगर कुछ ऐसे है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये ऐसे पॉसिबल है, तो ये दोनों क्या है आपस में आइसोमर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है ना आपस में आइसोमर, ठीक है. तो या तो ऐसे वालों में हम कंपेयर करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर क्या हो एटलीस्ट उन कंपाउंड्स में क्या हो सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, हम एक डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल की दो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल से कभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ज्यादा भी हो सकती है ऑब्वियसली क्योंकि वो दो डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, या तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो नहीं तो वो आइसोमर हो. ठीक है, यहाँ पे क्या है तीन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड, तो जो भी डबल, तो जो भी इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी इसको हम एज इट इज लेंगे, इसकी हम डिवाइड बाय टू कर देंगे, इसकी हम डिवाइड बाय थ्री कर देंगे. ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड का अगर मुझे इसमें क्या निकालना होता, ऑर्डर निकालना होता, तो क्या ज्यादा होगा, मतलब किसकी सबसे ज्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये बताओ. अब बताओ थर्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी पर डबल बॉन्ड. मैम फर्स्ट की ज्यादा होगी. फर्स्ट की ज्यादा होगी. फर्स्ट फिर किसकी आएगी मैम, सेकंड सेकंड एंड फिर थर्ड. ये होगा ऑर्डर, ये ऑर्डर समझ आ रहा है, जो थर्ड सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल रहा था जो भी था बच्चा, ये चीज समझ आई? हमें एक बार फिर नहीं समझ आया. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अच्छा किसका डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एनर्जी का डिफरेंस, ये तो पता है. यस मैम. ठीक है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी या कम होगी? आर्बन आर टू में अनस्टेबल कौन ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी. ठीक है, तो अनस्टेबल अगर मैं 1 2 और 3 की बात करूं सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? 1 है अनस्टेबल, तो यानी कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी. 2 और 3 में बात करूं, 2 में भी रेजोनेंस है ना, और 3 तो पूरा बेंजीन ही है, बेंजीन की तो अमाउंट ही हीट ऑफ हाइड्रोजन की इतनी कम आ रही थी, तो उसकी अमाउंट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की कम आ रही थी, तो यानी कि अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगी वो वैल्यू भी तो कम ही होगी ना तीनों के कंपैरिजन में. यस मैम. समझ आ रहा है? देखो इसकी कितनी 28.5, इसकी कितनी आ रही थी
कितनी थी इसकी 49.5 ये 48.5 49.5 ठीक है तो ये माइनस 49.5 था इसको 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 28.5 से कम आएगी काएगी ठीक है और इसकी वैल्यू माइनस 28.5 इनटू 2 से कम होगी क्यों क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी कम हुई होगी तो अगर मैं इसको बाय 2 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू 28.5 से कम ही आएगी ठीक है तो इस वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी 1 की फिर 2 की फिर 3 की तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है उसका HOH पर बॉन्ड ज्यादा ही होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका HOH पर बॉन्ड क्या होगा कम ही होगा ठीक है यस मैम ये लेस देन इसकी रेजोनेंस जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी तो चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे एक चीज लिख लो इसमें नोट बना के बेसिकली ये है बेंजीन ये है नेफ्थलीन इसका नाम क्या है बोलो एंथ्रासीन हाँ इसका नाम है एंथ्रासीन और इसका क्या है पोर्ट का फिनैंथ्रीन है इसका नाम मुझे नहीं पता चला तुमने क्या बोला पर फिनैंथ्रीन है इसका नाम मैंने लिखवाया हुआ है इन सबके नाम पीछे ठीक है लास्ट क्लास में देख लेना याद ना हो तो तो इसमें जो अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की बात करूँ रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यूज की तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 36 किलो कैलोरी होती है अभी हमने देखी ही थी ठीक है इसकी होती है 61 इसकी होती है 83 और इसकी होती है 91 ठीक है तो ये एक एक रिंग की है रेजोनेंस एनर्जी ये क्या है 61 है और यहाँ पे कितनी दो है रिंग्स तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय टू करूँ तो वैल्यू क्या आएगी 36 से कम ही आएगी यहाँ पे तीन रिंग्स है इसको डिवाइड करूँ थ्री और इसको मैं डिवाइड करूं बाय 3 तो ये भी ये सारी वैल्यूज क्या होंगी 36 से तो कम ही होंगी यानी कि सबकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या होगी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करूंगी तो वो क्या होगी 36 से कम ही होने वाली है लेस देन 36 इन तीनों के लिए ये चीज पता चल रही है यस मैम यस मैम तो इस वजह से इन अगर मैं 1 2 3 4 तीनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होने वाला है फर्स्ट स्टेबल होगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है जो एनर्जी लॉस्ट होती है तो रेजोनेंस एनर्जी अगर ज्यादा है यानी कि लॉस यानी कि एनर्जी जो दे दी अगर उसकी एनर्जी दे दी तो उसके पास एनर्जी कम हो गई एनर्जी कम हो गई एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेजोनेंस एनर्जी अगर ज्यादा है यानी कि एनर्जी लॉस्ट रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट इंक्रीजेस और फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज ठीक है तो रेजोनेंस एनर्जी अगर ज्यादा है तो यानी कि एनर्जी जो उसने दी है वो भी ज्यादा है जिस एनर्जी से वो स्टेबलाइज हुआ है बेसिकली वो भी ज्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल तो अगर मैं बेंजीन इसकी नेफ्थलीन फिनैंथ्रीन और एंथ्रासीन की बात करूँ ये एंथ्रासीन और फिनैंथ्रीन तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है बेंजीन ठीक है क्योंकि इसमें पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ज्यादा है इन सब में मैं पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी निकालूंगी तो 36 से कम ही होगी ठीक है ये चीज ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल ये फिर सेकंड नहीं फिर देख लेना 61 और 83 को डिवाइड करके 2 से और ये तो उसका ऑर्डर लिख लेना ठीक है जो भी वैल्यू आएगी चलो मैं चलती हूँ आगे एक क्वेश्चन और देखना ये है हमारे पास एंथ्रासीन ठीक है अब मैं इसको नंबरिंग देती हूँ जरा इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनकी नंबरिंग हम कुछ ऐसे करते हैं ऐसे रिंग्स की 4 के बाद 5 इसको नहीं देंगे इस लास्ट वाली रिंग को देंगे और लास्ट में हम 9 10 इन्हें देंगे ठीक है तो अगर मैं सबको नंबर्स दिख रहे हैं ना सही से अगर मैं अब नंबरिंग की बात करूं तो इक्विवेलेंट पोजीशन कौन कौन सी होगी जैसे 1 4 8 एंड 5 ये सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट दिख रही हैं सबको यस मैम ठीक है तो ये सारी इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट पोजीशन बताओ मुझे और कौन सी होगी इसमें
2, 7, 3, 6. और कौन सी होंगी? 9, 8, 9 and 10. तो ये सारी क्या है? ये सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है. ठीक है, अब मुझे, मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया. ठीक है, तो क्या हुआ, इस रिंग जब अटैक करने की बात है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ना ये वाली रिंग अटैक करेगी ना ये वाली रिंग अटैक करेगी, हमेशा बीच वाली रिंग अटैक करेगी. क्यों, देखते हैं. जैसे यहाँ पे अटैक होगा तो उसपे क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ पे अटैक हुआ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो बचा होगा, मतलब एक बॉन्ड टूटा होगा, एक साइड पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, वो रेजोनेंस करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस पोजिशन पे. ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल गया. तो एच है इधर, एक एच तो क्योंकि ऑलरेडी होता ही इधर, तो ये एच हमने यहाँ पे दिखा दिया. तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा 9 पे आएगा या 10 पे आएगा, इन दोनों क्योंकि 9 और 10 इक्विवेलेंट पोजिशन है, तो या तो 9 या 10 पे आएगा और किसी पोजिशन पे नहीं आएगा. क्यों, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन रेजोनेंस एनर्जी से याद है बेसिकली. ये बनने से क्या मिल रही है हमें, दो बेंजीन रिंग्स मिल रही है, एक बेंजीन रिंग ये और एक बेंजीन रिंग ये मिल रही है. यस मैम. तो यहाँ इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2 × 36 किलो कैलोरी. ठीक है, अगर मान लो वो किसी और किसी साइड वाले रिंग पे आता, जैसे कुछ ऐसे आता, मान लो यहाँ पे आ गया H दिस प्लस, अब क्या मिल रहा है, ये क्या है, ये जो बचा है यहाँ पे, ये नेफ्थलीन जैसा स्ट्रक्चर बचा है, नेफ्थलीन बचा है यहाँ पे. नेफ्थलीन की कितनी रेजोनेंस एनर्जी हमने पढ़ी, 61. यस मैम. तो ये कितनी होगी, इतनी. तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी मैम, ऊपर वाले की. तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये वाला नहीं फॉर्म होता. ठीक है, रीजन समझ आ रहा है? यस मैम. यस मैम. चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है. इस एरोमेटिसिटी में किसी को डाउट नहीं है, तो फिर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे आती हूँ. आऊँ एसिडिक स्ट्रेंथ पे, अभी जो पढ़ा आज की क्लास में, लास्ट क्लासेस में, कोई डाउट तो नहीं है उनमें किसी कंसेप्ट में? मैम ये जो लास्ट एग्जांपल था, इसमें हम एनर्जी पर रिंग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? एनर्जी पर रिंग क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे? एनर्जी पर रिंग एक्सप्लेन कर लो. देखो ये वाली रेजोनेंस, ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, यहाँ पे तो हमने पर रिंग की बात करी, तभी तो हमने 2 × 36 किया. अगर मान लो पर रिंग भी तुम्हें करनी है, एक रिंग की ले लो 36 और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे नेफ्थलीन है, यहाँ पे क्या आएगी एक रिंग की, 61/2. क्या आएगी वैल्यू, कम आएगी किसकी, ज्यादा आएगी किसकी, कम आएगी? ओके मैम, आगे 1.5 आएगी इसकी, मतलब कम ही आने वाली है इसकी वैसे भी. ठीक है, अब जो भी है, पर रिंग कर लो या टोटल रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कर लो. रेजोनेंस एनर्जी का हमें, हम कंपेयर कर सकते हैं उससे, ऐसा कुछ मतलब हम, अगर हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो हम पूरी रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं. ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा नहीं है, हम कौन सा, जैसे हम पीछे कर रहे थे, मतलब पर रिंग भी तुम्हें समझाना जरूरी था इसलिए मैंने समझाया था. अगर मुझे यहाँ पे बताना हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो मैं अपना बता सकती हूँ कि 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1, 2, 3 and then 4. ये तो रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया ना इनका, कि 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से, 2 ज्यादा स्टेबल है 3 से, 3 ज्यादा स्टेबल है 4 से. मैं रुकी क्यों थी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करूँ, वो तो मैं कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, पर सारी वैल्यूज किससे कम आएगी, 36 से ही. पर रिंग की बात करेंगे तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा. अगर मुझे ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो जो भी मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यूज हैं, 61, 83, 91, मैं उससे देख के पता लगा सकती हूँ. ये चीज समझ आ रही है? Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिड्स की बात करेंगे हम थोड़ी. एसिड काफी लोगों ने डिफाइन किया था, कुछ था आर्हेनियस ने करा था,
ब्रॉन्स्टेड ने किया था, एक ब्रॉन्स्टेड एसिड भी पढ़ेंगे और एक लुईस भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि H प्लस डोनर ही है, H प्लस डोनर है, लेकिन किसमें, उसने सॉल्वेंट डिफाइन किया था कि जो एच टू में एच प्लस डोनेट करे वो क्या होगा, आर्हेनियस होगा। ये क्या होगा, ये भी प्रोटॉन डोनर ही है, प्रोटॉन क्या होगा, एच प्लस ही होता है, ठीक है, प्रोटॉन एच प्लस डोनर, लेकिन इसने कोई सॉल्वेंट डिफाइन नहीं किया कि किसी भी सॉल्वेंट में करे वो क्या होगा, हमारा एसिड ही होगा, नो कंडीशन फॉर सॉल्वेंट। लुईस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो कहलाएगा लुईस एसिड, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, आर्हेनियस बेसिकली एसिड की, हम सबसे फेमिलियर हैं, मतलब हमें आर्हेनियस एच प्लस जो डोनेट करे वो ब्रॉन्स्टेड है, एच प्लस डोनेट करे एच टू में आर्हेनियस है, लुईस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये सारी क्या थी हमारी एसिड की डेफिनेशन। तो स्केल्स जिस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक हम पढ़ते हैं के ए, के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, जैसे मैं कोई भी एच ए मान लो कोई एसिड है, ये एच प्लस और ए माइनस में डिसोसिएट हुआ, तो हमें इस डिसोसिएशन का कॉन्स्टेंट निकालना है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, के ए से, और उसमें क्या होता है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन बाय ए माइनस की कंसेंट्रेशन और अपॉन एच ए, ठीक है। तो अगर के ए इंक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ती है घटती है, तो के ए की डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन होगी एसिडिटी, के ए इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, एक आता है हमारा पीके, पीके क्या होता है, पीके का फॉर्मूला पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। तो अगर वो माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पीके होता है मैम, पीएच होता है, वो आगे वो ही बता रहा था के ए की पूरा वैल्यू, वो पीएच होता है, ठीक है। के ए क्या होता है, पीए। तो अगर पीके इंक्रीज होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, पीके इंक्रीज होगा तो एसिड, ठीक है। पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पे ना काफी क्वेश्चन ऐसे देखोगे जिसमें डायरेक्टली पीके वैल्यूज पे पूछ रहे होंगे, क्या उसमें हमें पीके वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे कि आप पूछ सकते हैं। तो कुछ कुछ मैं पीके वैल्यूज लिखवा देती हूँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मतलब बहुत, लेकिन वो रेयरली पूछे जाते हैं जिसमें याद किया, लेकिन आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कंपैरिजन से देख ही लो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने वाले कंपैरिजन है, तो कुछ के मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज अलग हो गई। अब जैसे एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम पढ़ेंगे, सुपर एसिड HSbF6, ये हमारा सुपर एसिड होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसकी जो पीके वैल्यू क्या होगी, माइनस में होती है, -12 में पीके वैल्यू, ठीक है। ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, अभी H2SO4 है, H2SO4 होता है -10, फिर आता है HI की क्या है वैल्यू, -9, HCl की वैल्यू है -7, तो ये कुछ है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HBF6, H2SO4, HIHCl में HI है, और ये हमें स्टेबिलिटी वैसे भी पता चलती है, मतलब क्या एसिडिक HI ज्यादा क्यों होगा HCl से, क्योंकि HI का बॉन्ड वीक होता है और जो I- होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ये रीजन हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। H3O+ की बात करें, H3O+ भी एसिडिक है, ठीक है, इसका क्या होता है -1.8। अब कुछ आते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पे जो होता है, ऑर्गेनिक में हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक नहीं होता, वो क्या होता है सल्फोनिक एसिड जो होता है, ये वाला, इसकी कितनी होती है पीके -6.5, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की +3.7, बेंजोइक एसिड PHCOOH इसकी क्या होगी 4.2 प्लस में, और इसके बाद CH3COOH। अब इसमें देखो एक चीज का याद रखने वाली है 4.7, इसमें क्या याद रखोगे एक चीज, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, वो ज्यादा एसिडिक होंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से,
ठीक है, लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन किसकी है, फॉर्मिक एसिड की, HCOH की। HCOH तो हमारा एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन अगर मैं एरोमेटिक और एलिफेटिक की, बाकी सारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक की बात करूँ, तो उसमें एरोमेटिक ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। ठीक है, एसिडिटी की बात है। इसका रीजन बस एक ये देख सकते हो, जैसे कि ये है COOH और ये क्या है CH3COOH, ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है। तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से OH की एसिडिटी बढ़ा देता है। लेकिन लेकिन एक जो काउंटर इफेक्ट जो होता है, जिसकी हम जो कंफ्यूजन ला सकता है, वो क्या होता है, प्लस माइनस आर इफेक्ट, जो कि COH हो करता है, कि बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये वाला जो रेजोनेंस, ये वाला जो इफेक्ट है यहाँ पे बहुत वीक होता है, क्योंकि एक तरीके से एरोमेटिसिटी तोड़ देता है स्ट्रिंग की, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम बस sp2 की बात करेंगे कि sp2 और यहाँ पे sp3 है। sp2 क्या है, यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है, और यहाँ पे sp3 की वजह से ये जो एलिफेटिक है कम एसिडिक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड है, एरोमेटिक से भी ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये कुछ एक्सेप्शंस है जो हम काफी बार गलत लगा सकते हैं, मतलब इसकी रेजोनेंस की वजह से, लेकिन नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ sp2 और sp3 ही देखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए CH2 Cl पे, कुछ पूछना है क्या? वो इसकी क्या होगी, 2.86 मैम, जैसे हाँ, मैम जैसे pH, जब हम एसिडिटी बता रहे हैं वो pH स्केल पे बता रहे हैं, तो मैम अच्छा, तो मैम pKa की वैल्यू ऐसे किससे, जो हम एसिडिटी बता रहे हो pH स्केल पे बता रहे हैं, तुम ये बोल रहे हो? यस मैम, हम pKa की वैल्यू बता रहे हैं, हम pH की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम pKa की बात कर रहे हैं। मैम तो जैसे के की वैल्यू हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, तो पी के हम सीधे इनवर्स के निकालेंगे। इनवर्स के नहीं होगा, ये होगा, ये फॉर्मूला लिखा ना हमने पी के और के के बीच में, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के। ठीक है, यस मैम, कुछ डाउट क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, चलो। तो OH है, इसका OH का जो अप्रोक्सीमेटली होता है HCN के इक्वल होता है एसिडिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की होगी। यहाँ से अब देखो पॉजिटिव होने लगी, तो जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा एसिडिटी क्या होती है, कम होती जा रही है। H2CO3 इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसकी वैल्यू होती है कुछ प्लस 6.4। ठीक है, अब एक हम आते हैं नेक्स्ट, हम एल्कोहल्स की और वाटर का कंपेरिजन जो हमें करना होता है। तो अल्कोहल्स में होगा एक CH3OH, ये क्या होता है, मेथनॉल, इसकी pKa वैल्यू क्या होती है, 15.5। H2O की pKa वैल्यू की बात करूं, ये क्या होगी, 15.7। ठीक है, और जितने भी बाकी सारी अल्कोहल्स होंगे, CH3CH2OH मान लो ये हो गया, इसकी वैसे इक्वल होती है किसके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, इक्वल तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी इसके, क्योंकि ये देने से क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, तो ये भी हमारा एसिडिक होता है। इसकी क्या pKa वैल्यू होगी, इन दोनों की अप्रोक्सीमेटली होगी कुछ 16। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा, इसमें हमारा इथेनॉल आ रहा है, ये मेरा वाटर है और ये मेरा मिथेनॉल है। अगर मैं अब कंपेयर करूं अपना pKa, तो मेरा pKa स्केल कुछ ऐसे है, CH3CH2OH, मिथेनॉल की क्या लिखी हमने, 15.5, H2O की 15.7 और ये 16। ठीक है, तो यानी कि अगर एसिडिटी की बात करें तो यही नहीं, एसिडिटी ऐसी है कुछ, ये थी बात pKa की, तो एसिडिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है। यानी कि अल्कोहल्स में क्या है, जो भी मिथेनॉल है, सिर्फ मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, इसके बाद जो भी अल्कोहल्स आएंगे, भले एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, फिनॉल भी क्या है, वाटर से ज्यादा एसिडिक है, सॉरी कम एसिडिक है, फिनॉल भी, या फिनॉल की भी अभी हम देखेंगे, फिनॉल इज ऑल्सो मोर एसिडिक देन वाटर, फिनॉल इज ऑल्सो मोर एसिडिक देन वाटर एंड ये। तो एलिफेटिक एसिड की बात करें, एलिफेटिक एल्कोहल्स
आर लेस एसिडिक देन वाटर, एक्सेप्ट मिथेनॉल. मिथेनॉल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन बाकी एलिफैटिक एसिड्स क्या होंगे, कम एसिडिक होंगे. ठीक है, एक ये चीज याद रखना है इसमें एल्कोहल में, क्योंकि काफी कंफ्यूजन सी रहती है क्या मिथेनॉल ज्यादा है या H2O ज्यादा है या बाकी सारे एल्कोहल्स में क्या रिलेशन है. नेक्स्ट कुछ वैल्यूज और देख लो. बेसिकली ऐसे वाले ट्रेंड्स ज्यादा याद रखने जरूरी है. ये क्या एरोमेटिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एल्कोहल्स और वाटर के बीच में, ये सब. तो 17 इसका पीके होता 17 CH3 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 OH, इसका होता 18. ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा इसमें एसिडिक है. इसमें ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि जो ओ नेगेटिव होगा और इस ग्रुप का जो, और इस ग्रुप की बात करें तो माइनस आई जो होगा वो इस ग्रुप का, सॉरी प्लस आई, इस ग्रुप का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा. इस वजह से इसको जो ओ नेगेटिव बनेगा, ओ नेगेटिव एच प्लस बनेगा, तो ओ नेगेटिव जो बनेगा उसको माइनस आई क्या करेगा, प्लस आई क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेबिलाईज करेगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें वैसे भी पता है. ठीक है, तो अगर सिर्फ रिलेट करने की बात आए तो हम एज इट इज बता सकते हैं. एक होता है हमारा एसिड, ये इस एसिड का नाम क्या होता है पता है, डाइनाइट्रोबेंजीन, पिक्रिक. हाँ, पिक्रिक एसिड नाम पूछ रहे हैं. नाम इस एसिड का नाम होता है पिक्रिक एसिड होता है. ये भी काफी अच्छा एसिड होता है. इसका जो पीके हो जाता है 0.71 हो जाता है. काफी अच्छा एसिड है ये. ठीक है, सिमिलरली एक एसिड हो जाता है COOH NO2 NO2 NO2. इसका पीके और भी कम होता है 0.65, क्योंकि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है कम एसिडिक होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा ही एसिडिक होंगे ऑब्वियसली अल्कोहल. ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना मैम. हाँ बोलो. टर्शियरी अल्कोहल है वो, उसमें तो प्लस आई ज्यादा स्टेबल करेगा ओ नेगेटिव को. प्लस आई देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स या लेने वाला होता है? देने वाला होता है ना, और ओ पे नेगेटिव है तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उस पे? मेंबर ओ नेगेटिव चार्ज में ज्यादा स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा, वो तो जब हम कंपेयर करते हैं बाकी और चीजों से तब हम बात करते हैं. लेकिन अगर ओ पे नेगेटिव है, हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है, और एक से देखो CH3 CCH3, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. जो हमारा ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कुछ बनेगा ऐसा. ठीक है, अब देखो हमें कंपैरिजन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कब लाते हैं, जब मुझे मान लो ओ नेगेटिव को किससे कंपेयर करना होता है, नेगेटिव से. तब मैं बात करती कि नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, तब किस पे ज्यादा स्टेबल होता है ओ पे. ठीक है, अभी तो इस यहाँ पे भी ओ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ओ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करने का कोई वो ही नहीं है कुछ. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करने से हमें क्या पता चलता है, कुछ नहीं. हमें बस पता है कि ओ पे नेगेटिव है तो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स उस पे हम एक्सेस मान के चलेंगे, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे हैं. ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज कौन करता है? जो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे वो जिस पे नेगेटिव चार्ज है तब हम देखेंगे कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है. लेकिन नेगेटिव चार्ज ओ पे है और हम प्लस आई और माइनस आई की बात किस कर रहे हैं, जो उससे लगा हुआ है, जो ओ के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, ना कि ओ की बात कर रहे हैं. तुम दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हो बेसिकली. ऐसा नहीं करना. इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात किस आइटम से करनी है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एन पे नेगेटिव चार्ज है, तब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम ओ तो, यहाँ पे तो दोनों पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब हमें देखना है कौन स्टेबिलाईज करेगा इस नेगेटिव चार्ज को. क्या ये जो इस ओ नेगेटिव के साथ जो ग्रुप लगाया, इस ओ नेगेटिव के साथ जो ग्रुप लगाया, यहाँ पे ओ नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों था? क्योंकि ओ नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और उसको हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है, इसको इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, लेकिन इसको भी हमें नेगेटिव चार्ज दिया, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो उसके तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमने ज्यादा भूख किसकी मिटाई, ये ज्यादा भूखा था या कम भूखा था, और हमने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ खाना दिया, तो जो ज्यादा भूखा वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब वो ज्यादा खुश है अब जो ज्यादा भूखा था, एज कम्पेयर टू जो कम भूखा था. यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों ओ नेगेटिव है, इसमें ओ नेगेटिव तो कंपेयर नहीं करेंगे. अब देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज कर रहा है,
नेगेटिव चार्ज यानी कि इस पे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो उसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जो कोई भूखा इंसान जो ज्यादा इसके साथ लगा होगा, वही तो सिस्टम को स्टेबिलाईज करेगा ना। यहाँ पे इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में ज्यादा भूखा कौन है? बेसिकली भूखा बोलना यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। प्लस आई किसका ज्यादा है? क्योंकि दोनों प्लस आई वाले ग्रुप है ना कि माइनस आई वाले। किसका प्लस आई ज्यादा है यहाँ पे? इस फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का ज्यादा है ना, यानी कि फर्स्ट इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, ये भूखा नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके मैम, ठीक है। तुम दो कंसेप्ट को मिक्स कर रहे थे, ये नहीं करना। चलो तो हम कहाँ पे थे? हाँ, एक चीज और बतानी है। अमोनिया, इसका पीके होता है 37, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एच, ये है 25, ये है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इसका है 40, और सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये है 50। ठीक है, एक सेकेंड। सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री, ये है 50। ठीक है, तो ये तो सारे क्या है? कार्बन वाले हैं। यहाँ पे sp कार्बन है, यहाँ पे sp2 कार्बन है, यहाँ पे क्या है? sp3 कार्बन है। तो sp, sp2, sp3 कार्बन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा कार्बन होगा? मैम sp, sp होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो sp से क्या बन रहा होगा? ch ट्रिपल बॉन्ड c नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज sp वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन sp वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी उस पे है, ch2 सी एच नेगेटिव, और फिर उसके बाद क्या सी एच थ्री सी एच टू नेगेटिव। ठीक है, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलाईशन यहाँ पे, फिर इधर, फिर लास्ट में सबसे। ठीक है, और अब यहाँ पे एन अमोनिया का क्या है? 37 है। तो मैं पीछे लिख देती हूँ ये चीज, क्या जो हमारा एस पी थ्री एन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? एस पी कार्बन से। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूंगी तो जो एस पी 3n पे वो कम स्टेबिलाईज होगा एज कम्पेयर टू इस पे। जैसे अगर मैं बात करूं NH2 नेगेटिव और HC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, तो ये चीज याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल किस पे होगा? इस पे। एसिडिक कौन ज्यादा है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, ये है एसिडिटी का ऑर्डर। ये चीज समझ आ रही है? Yes, ma'am. ये बस पीके की वैल्यू से हमें पता चला। पीके किसका है? अमोनिया का ज्यादा है इससे, एसिटिलीन से। तो यानी कि एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक है अमोनिया से। बाकी सारे sp2 कार्बन और sp3 कार्बन वाले कम एसिडिक है अमोनिया से, लेकिन सिर्फ ये वाला क्या है? ज्यादा एसिडिक है। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस सकता है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये चीज बस याद रखने के लिए। ठीक है, चलो एक चीज और देख लो। हमारे ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? RSO3H, सल्फोनिक एसिड होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक एसिड्स तो और भी होते हैं जो काफी ज्यादा हमारे स्टेबल होंगे। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब रीजन अगर हम देखना चाहें, इसका रीजन अब तुम खुद भी बता सकते हो क्या हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? हाँ, स्ट्रक्चर होंगे सल्फोनिक एसिड में। क्या होंगे? तो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज है। तो कार्बन आयन किसका ज्यादा स्टेबल है? बेसिकली हम एसिडिटी कैसे पहचानेंगे? एसिड देने के बाद जो स्ट्रक्चर बनना है वो हमारा क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना इजीली फॉर्म होगा, और फॉर्म होने के लिए क्या हो रहा है? H प्लस देना पड़ रहा है। यानी कि इतना इजीली फॉर्म होगा उतना आसानी से H प्लस गया होगा उसे बनने के लिए, इसलिए वो जो जिससे बना है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए एसिडिटी की बात करें तो यही ज्यादा हमारा सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, एसिडिटी इसकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि H प्लस देने के बाद जो एनायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है? Yes, ma'am. चलो, ठीक है। तो बाकी अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जो एनायन जो बनता है, जो कॉन्जुकेट, मैं एक लिखती हूँ एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए नेगेटिव।
अगर ये एसिड है तो इसको हम क्या बोलते हैं जो ये नेगेटिव बनता है, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना कुछ, वर्ड नाम सुना होगा कॉन्जुगेट बेस। यस मैम। क्योंकि ये वापस एच प्लस लेके वापस एच ए बना सकता है, ठीक है। तो अब ये एच ए एसिडिक है या नहीं है किस पे डिपेंड करता है, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अभी कॉन्जुगेट बेस की हम स्टेबिलिटी कैसे कैसे बता सकते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम क्या देख के बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखिए, इफ इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ ई एन इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन विल बी मोर। इलेक्ट्रोनिक मतलब जिस पे भी वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उस, वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी तो एनायन भी क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा इज मोर। जैसे अगर बात हो रही है CH4 अमोनिया H2O एंड HF, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बताओ। HF फिर उसके बाद NH3 H2O CH4 उसके बाद NH3 होगा H2O फिर NH3 H2O फिर अमोनिया एंड देन CH4। क्यों इसके क्यों, ये तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया, इनसे क्या क्या कॉन्जुगेट बेस बन रहे होंगे, इससे बन रहा होगा F नेगेटिव, इससे बन रहा होगा OH नेगेटिव, इससे बन रहा होगा NH2 नेगेटिव और इससे बन रहा होगा CH3 नेगेटिव। तो अब नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किस पे, इसी पे ही है F माइनस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही वही है OH नेगेटिव H नेगेटिव। तो ये क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी कौन सा है ज्यादा स्टेबल है, तो जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल वही उसी का एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें कुछ ऐसे पता चल सकता है जो हमने लास्ट में किया था, इसके इसके स्ट्रक्चर्स बना के देख लेना, मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से जो RS मिलेंगे वो हमें 2 RS मिलेंगे और यहाँ से हमें कितने RS मिलेंगे 3 RS मिलेंगे, तो इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनवा रही, काफी बार बनवा चुके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सेकंड हमें क्या किससे पता चल सकता है, साइज से पता चल सकता है क्या हमारा, इफ साइज इंक्रीजेस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, साइज बढ़ेगा तो एनायन स्टेबिलिटी बताओ इंक्रीज होगी साइज के साथ या डिक्रीज होगी, मैम कंपाउंड का साइज। हाँ कंपाउंड का साइज मैम स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, कंपाउंड का नहीं बेसिकली एटम का, एटम से ही बात कर लो। यस मैम। हाँ डिक्रीज होगी। यस मैम। नहीं स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। देखो चार्ज क्या है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लो मैंने अभी छोटे से एटम पे नेगेटिव चार्ज दे दिया और मैं एक बड़े से एटम पे दूं चार्ज, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा होगा, इतना छोटा है और इसपे हमने एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें कंपैरेटिवली क्या होगा, रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होगी। ये थोड़ा बड़ा है और इसपे नेगेटिव चार्ज दिया, अभी क्या है जो नेगेटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे एटम पे, पूरा एटम बैलेंस कर रहा है, थोड़ा चार्जेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो साइज से क्या होता है, जो एनायन जो होता है एनायन की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है, ठीक है, जितना साइज बढ़ेगा उतना एनायन की स्टेबिलिटी हमारी का इंक्रीज होगी। एक कंसेप्ट शायद तुमने पढ़ा हो पोलराइजेबिलिटी, ये कंसेप्ट पढ़ा है एनायन की स्टेबिलिटी का इनऑर्गेनिक में। यस मैम। तो वो इसी पे बेस्ड है, जो ज्यादा बड़ा एनायन होता है वो ज्यादा पोलराइजेबल होता है और उसी पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल भी होता है, तो साइज बढ़ता है तो एनायन स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है, ये चीज याद रखो। बेसिकली किसमें टॉप टू बॉटम पे वैलिड होगा, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हम आई माइनस की क्यों बताते हैं, बी आर माइनस से ज्यादा स्टेबिलिटी, इसी रीजन की वजह से टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप के लिए वैलिड है ये चीज। तो एच एफ एच बी आर एच सी एल एंड एच एफ वेट एच चलो ठीक है एच आई ये है, इनमें अगर मुझे ऑर्डर बनाना है तो किसका सबसे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एच एफ
नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एच आई, एच आई, देन एच आई के बाद क्या आएगा? एच वी आर, फिर एच सी एल और फिर एच एफ, ठीक है, एसिडिटी. मैम हाँ बोलो मैम, एक बार रिपीट करना, ये क्लोरीन क्यों नहीं आएगा? क्लोरीन क्यों नहीं आएगा ब्रोमीन से पहले? यस मैम, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन का साइज बड़ा है ना, वही बता रही हूँ. रुको, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है. ऑर्डर ये नहीं होता हैलोजन्स का, हैलोजन्स का ऑर्डर क्या होता है, जब हम नीचे आते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे आता है डाउन द ग्रुप, ठीक है. यहाँ पे मैंने एच बी आर पहले लिखा हुआ है एच सी एल से, वो अलग चीज है, यहाँ पे ऑर्डर ऐसा होता है, ठीक है. इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे क्या? यस मैम. ठीक है, तो ये वाला एसिड सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसमें क्या है बी आर माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसमें सी एल माइनस ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये इसी के लिए है, ठीक है. ये बस डाउन द ग्रुप के लिए ज्यादा है, वरना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सबसे ज्यादा किसकी है? एफ माइनस की. लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल वो नहीं है, यहाँ पे हमें साइज फैक्टर देखना है, वो क्या है, आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है बी आर माइनस से, देन सी एल नेगेटिव, देन लास्ट में एफ आई नेगेटिव, ठीक है. तो इस केस में हम ये देखते हैं. और एक और चीज इसमें बेसिकली होती है, क्या अगर हम एच एफ एच सी एल एच पी आर एच आई की बात करें तो एच बहुत छोटा है और मान लो ये बी आर है, बी आर सबसे बड़ा है, मतलब सॉरी आयोडीन है ये एच है, तो इनमें क्या है साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड भी थोड़ा वीक होगा, इजिली तोड़ पाएंगे इस बॉन्ड को. जैसे जैसे हम एच एफ पे जाएंगे, एच और एफ के बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम होगा, तो बॉन्ड काफी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है. पर हम रीजन ये लिखेंगे क्या स्टेबिलिटी वाला, क्या स्टेबल कौन सा है, आई माइनस ज्यादा ब्रोमीन से, देन क्लोराइड से, देन क्लोराइड, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ एच टू ओ और एच टू एस की बात करूँ, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? एच टू एस. एच टू एस ज्यादा एसिडिक होगा, यस. ये क्या बनाएगा? ओ एच नेगेटिव और ये क्या बनाएगा? एच एस नेगेटिव. तो ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि एस का साइज ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ओ का साइज, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है. तो ये एसिडिटी का ऑर्डर और ये क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है. नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा, चलो कर लो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें क्या हो माइनस आई हो माइनस एम हो, कुछ ऐसा ग्रुप हो, या फिर जिसके पास सिर्फ माइनस आई हो वो भी चलेगा, दोनों काम करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं CH3COOH, CH2ClCOOH, CHClCLCOOH और CClCLCL COOH, ठीक है. तो उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक यही है, मैंने ऑर्डर भी लिख दिया, एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसमें Cl ग्रुप्स बढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो ये क्या होंगे, ये इसमें यहाँ पे जो O नेगेटिव बन रहा होगा उसकी थोड़ी क्या होगी, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन की HCOOH, CH3COOH और CH2COH, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? मैम HCOOH. हाँ, ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 का? 1 2 3, यस, यही ऑर्डर होगा, यही इनका एसिडिटिक ऑर्डर है. अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट. मैम फर्स्ट, यस, क्योंकि एरोमेटिक वाले ज्यादा होते हैं एरोमेटिक से, ठीक है, लेकिन बस फॉर्मिक ज्यादा होता है इनसे. अगर मैं बात करूं HCOOH और PHCOOH का, तो मैम HCOOH, तो ये ज्यादा होगा, ठीक है. तो ये चीज याद रखना. एक और लास्ट में देख लो क्या, HCOOH, PHCOOH और CH2ClCOOH, 1 2 3, इसका पीके क्या होता है? इसका होता है 3.7, इसका होता है 4.7 और इसका 2.86. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आ रहा है? थर्ड. देन 1 एंड देन 2. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने से क्या हो गया, इस एलिफेटिक वाले की क्या हो गई, एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है.
तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया एलिफेटिक पे तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे? सबसे, फॉर्मिक से भी और PHCOH से भी, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जनरली ऐसे हैं, तो ये तो कम एसिडिक ही होंगे हमारे एरोमेटिक से, लेकिन अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे Cl तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो बस यही है, इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मैम। चलो ओके.